हमारा दिमाग हमारे शरीर का एक बेहद ही जटिल और कमाल का अंग है, जो हमारे शरीर को, जीवन को संतुलित रखता है और करीब करीब सारी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। इस अंग के मोटे मोटे ये 12 नियम हैं, जिनको जानकर और उन पर ध्यान देकर हम इसका बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज, व्यायाम। व्यायाम हमारे दिमाग की ताकत को बढ़ाता है। हमारा दिमाग 12 किलोमीटर हर दिन चलने के लिए बनाया गया है, तो सोचने समझने की शक्ति बढ़ाने के लिए चलिए। व्यायाम हमारे दिमाग में ताजा और शुद्ध खून पहुंचाता है, पुराने छूटे हुए जहरीले इलेक्ट्रॉन्स को भी यह नई शक्ति से भरा ग्लूकोज और ऑक्सीजन साफ कर देते हैं। व्यायाम हमारे दिमाग में चल रहे सारे संपर्क सूत्रों को भी तरोताजा रखने के लिए प्रोटीन्स को भी तैयार करता है। अधिक जोर से सांस लेने वाले सारे व्यायाम भुलक्कड़पन को भी कम करते हैं। रूल नंबर 2, सर्वाइवल, अस्तित्व। हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, 3 दिमाग होते हैं। पहला दिमाग, जिसे रेप्टाइल ब्रेन भी कहते हैं, मानव जाति के शुरुआत से ही हमारे साथ है। यह दिमाग सिर्फ हमारे अस्तित्व को बचाए रखने या बनाए रखने के काम आता है। साधारण भाषा में भागो या लड़ो का काम यह दिमाग करता है। किसी भी स्थिति में या तो हम भयभीत होकर भाग खड़े होने की सोचते हैं या उस स्थिति से निपटने के लिए लड़ने को तैयार हो जाते हैं। यह सारा काम बस यही साधारण सा रेप्टिलियन दिमाग करता है। दूसरी तरह का दिमाग बिल्ली जैसा होता है, जो हमें हर स्थिति को थोड़ा समझकर बच निकलने के लिए तैयार करता है। और तीसरी तरह का दिमाग, जिसे ह्यूमन ब्रेन या कॉर्टेक्स भी कहते हैं, सबसे ज्यादा जटिल और ताकतवर होता है। सभी स्थितियों का गहरा विश्लेषण या एनालिसिस यहीं पर होती है। जैसे जैसे इस धरती का पर्यावरण बदला, हम अपने आप को बदलते हुए पेड़ों से उतरकर धरती पर आ गए, 4 पैरों की बजाय 2 पैरों पर चलने लगे, और इस दिमाग का विकास होता गया। तर्क वितर्क करना, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का अंतर समझना समझाना हम मनुष्यों की अद्वितीय प्रतिभा है। समूहों में रहते हुए एक दूसरे की इच्छाओं को समझने की जरूरत, प्रेरणाओं को समझने की जरूरत ने इस दिमाग को और विकसित किया। रूल नंबर 3, वायरिंग, या दिमाग में संदेशों के आदान प्रदान का प्रबंधन। हर दिमाग का संदेश आदान प्रदान प्रबंधन बिल्कुल अलग अलग होता है। हम अपनी जिंदगी में जो भी सीखते हैं, जो भी करते हैं, उससे हमारा दिमाग बदलता रहता है। यह संदेश आदान प्रदान प्रबंधन हमेशा बनता ही रहता है, यानी कि रीवायरिंग। 2 अलग अलग लोग एक ही सूचना को अलग अलग तरीके से समझते और संजोते हैं। इस तरह हमारे अद्वितीय दिमाग की वजह से हम बिल्कुल अलग तरीके के विद्वान बन सकते हैं। रूल नंबर 4, अटेंशन, ध्यान। लोग उबाऊ चीजों पर ध्यान नहीं देते। हमारा दिमाग एक बार में एक ही काम पर ध्यान लगा सकता है। कई बार सुनने में आता है कि फला व्यक्ति कई काम एक साथ कर सकता है, और कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, पर ऐसा पूर्णतया असंभव है। अगर हमें लगता है कि हम कुछ और सोचते हुए गाड़ी चला लेते हैं, सब्जी काट लेते हैं या टीवी देखते हुए खाना खा लेते हैं, तो समझिए यह काम हमारे शरीर ने खूब अभ्यास से सीख लिए हैं और फिर अपने आप ये काम करते रहते हैं। ध्यान से सोचिए, जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे थे, उस वक्त आपका दिमाग क्या कर रहा था? काफी अभ्यास के बाद हमने संभावनाओं को देखना, समझना और उनके मतलब निकालना सीख लिया है। हमारा दिमाग भावनाओं को समझकर व्यवहार बदलता है। अच्छी भावना है तो उस काम को बार बार करने की इच्छा होती है, और भावना खराब है तो हम उस काम को टालने की इच्छा करते हैं। रूल नंबर 5, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लघुकालीन याददाश्त, या थोड़े से समय तक ही रहने वाली याददाश्त। एक तरह के तरीके में 4 हिस्सों में काम होता है। पहला, आने वाली जानकारी को याद रखने के लिए अलग अलग रसायनों में बदला जाता है। अब ये जानकारियां हमारी आंखों से, कानों से, नाक से या स्वाद के जरिए या स्पर्श के जरिए आ सकती हैं। दूसरा, इन जानकारियों को अलग अलग स्थानों पर सजोकर रखना, जैसे अलग अलग तरीके से किताबों को अलग अलग श्रृंखला में रखना होता है। तीसरा,
इन जानकारियों को समय आने पर या जरूरत पड़ने पर इन श्रृंखलाओं से निकाल कर लाना। चौथा, भूल जाना। जिन जानकारियों की जरूरत नहीं है उन्हें संभाल के न रखते हुए हम भूल जाते हैं। यह सारा काम हमारे दिमाग के मानव दिमाग या कॉर्टेक्स में होता है। हमारे सालों साल के अनुभव से हम अंदाजा लगाते हैं कि वो जानकारियां जो भविष्य में हमारे काम आ सकती हैं वो तुरंत सजोकर रख ली जाती हैं। जितना ज्यादा गहराई और विस्तार से इन जानकारियों को हम लेते हैं वह उतनी ही ज्यादा देर तक हमें याद रहती हैं। अगर हम कुछ याद रखना चाहते हैं तो ज्यादा विस्तार से उन जानकारियों को लेना चाहिए। रूल नंबर 6, लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालीन याददाश्त। ज्यादातर यादें कुछ ही मिनटों में गायब हो जाती हैं, पर जो यादें इन कमजोर मिनटों से बच निकलती हैं वो समय के साथ गहरी और मजबूत होती जाती हैं। दिमाग का एक और हिस्सा है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। ऐसा समझिए कि किसी लाइब्रेरी को चलाने के लिए लाइब्रेरियन हिप्पोकैम्पस है और लाइब्रेरी कॉर्टेक्स है। हिप्पोकैम्पस जानकारियों की जांच पड़ताल कर उन्हें कॉर्टेक्स में सही जगह पर संजोता है। जब हिप्पोकैम्पस और कॉर्टेक्स एक याददाश्त को बार बार निकालते हैं, रखते हैं, निकालते हैं, रखते हैं, तो कुछ ही सालों में वो यादें पक्की हो जाती हैं। जो भी इस वक्त हो रहा है हमारा दिमाग उसका एक अंदाजा लगाता है। वो नई जानकारियों को पुरानी यादों से मिलाकर समझने की कोशिश करता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी या दीर्घकालीन याददाश्त को बढ़ाने के लिए नई जानकारियों को बार बार दोहराने से वो पुरानी यादों के साथ जुड़ा। रूल नंबर 7, स्लीप, निद्रा। हमारे दिमाग में हमें जगाने वाले और हमें सुलाने वाले केमिकल्स की जंग हमेशा चलती रहती है। जब हम सोते हैं तब भी तमाम केमिकल गतिविधियां हमारे दिमाग में चलती रहती हैं। शायद उन सब जानकारियों को दोहराया जाता है जो भी हमने उस दिन सीखा था। अलग अलग लोगों की नींद की जरूरत अलग अलग हो सकती है, पर शारीरिक तौर पर दोपहर में एक बार झपकी आना करीब करीब तय है। नींद की कमी तमाम परेशानियां खड़ी करती है, जैसे कम चेतना, शारीरिक थकान, कम होती याददाश्त, कमजोर समझ। रूल नंबर 8, स्ट्रेस, तनाव। हमारे बॉडी के डिफेंस सिस्टम में दो प्रमुख हार्मोन्स होते हैं, एड्रिनलिन और कॉर्टिजोल। ये दोनों हार्मोन्स हमें तुरंत क्रिया या प्रतिक्रिया के लिए तैयार करते हैं। ये सारी प्रतिक्रियाएं तुरंत उसी वक्त होने वाले तनाव या खतरे के लिए होती हैं। पर अगर तनाव लंबे समय से चला आ रहा है या लंबे समय तक चलेगा, यह स्थिति हमारे इन दोनों हार्मोन्स को बिगाड़ देती है। ये दोनों हार्मोन्स थोड़े से समय के लिए हमारी मदद करने के लिए बने हैं। अगर ये ज्यादा देर हमारे शरीर में रह जाएं, तो तमाम तकलीफें पैदा कर देते हैं। जैसे कि अगर एड्रेनालिन ज्यादा देर तक रह जाए तो हमारी तमाम खून की धमनियों में घाव कर देता है, जिससे हार्ट अटैक तक हो सकता है। कॉर्टिजोल ज्यादा देर तक रह जाए तो हमारे दिमाग में याद रखने वाले हिस्से को चोट पहुंचाता है और हमारी याद रखने की शक्ति कम हो जाती है। जब हमें महसूस होता है कि कुछ भी हमारे बस में नहीं है, बस यह तनाव सबसे ज्यादा खतरनाक। रूल नंबर 9, सेंसरी इंटीग्रेशन, इंद्रियों का समावेश। हम एक साथ कई इंद्रियों को काम में लेते हैं। हमारी देखने की, सूंघने की, सुनने की, छूने की, स्वाद की शक्तियां हमारी प्रमुख इंद्रियां हैं। इन्हीं इंद्रियों से हम सारी जानकारियां अपने दिमाग में ले जाते हैं। ये सूचनाएं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलकर दिमाग के अलग अलग हिस्सों में जाती हैं और तब दिमाग इन सारे संकेतों को मिलाकर पूरी स्थिति या उस सूचना को समझता है या हमें बताता है। हमारा दिमाग किसी भी जानकारी को समझने के लिए पुरानी यादों और पुराने अनुभवों का इस्तेमाल करता है। इसलिए दो अलग अलग व्यक्ति एक ही जानकारी को अलग अलग तरीके से समझते हैं। हमारी सारी इंद्रियां एक साथ काम करने के लिए बनी हैं। हमारा देखना, हमारा सुनना आदि आदि सब साथ काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम सारी इंद्रियां साथ में इस्तेमाल करें तो बेहतर याद रख सकते हैं। हमारे दिमाग में एक कमाल का हिस्सा होता है जिसे एमिग्डाला कहते हैं। यह हिस्सा हमारी भावनाओं की देखभाल करता है। याद कीजिए, हम कभी किसी छोटी सी बात पर कैसे अचानक भड़क उठते हैं, यह काम हमारा एमिग्डाला हमसे कराता है। हमारी सूंघने की शक्ति दिमाग के करीब करीब सारे हिस्सों को पार कर अधिकतर एमिग्डाला तक पहुंच जाती है और कई यादें और भावनाएं वहां पैदा हो। रूल नंबर 10,
विजन, देखने की शक्ति। देखने की शक्ति हमारी बाकी सभी इंद्रियों पर भारी पड़ती है। हमारे दिमाग में जाने वाले करीब करीब 50% सूचनाएं हमारी देखने की शक्ति से जाती हैं। हमारा दिमाग पुरानी यादों भावनाओं को भी इस्तेमाल करके हमें बताता है कि हम क्या देख रहे हैं, जो कि हर बार 100% सही नहीं होता। देखने की प्रक्रिया कई हिस्सों में बटी हुई है। कुछ हिस्से जैसे रेटिना एक मूवी जैसा बनाता है, विजुअल कॉर्टेक्स इस मूवी को समझता है, कुछ हिस्से रंग देखते हैं, कुछ आकार, आखिर में सब कुछ मिलाकर हमें पूरी तस्वीर दिखाई देती है। इसी वजह से जो हमें दिखता है वो ज्यादा याद रह जाता है। रूल नंबर 11, जेंडर। पुरुषों और महिलाओं के दिमाग अलग अलग होते हैं। पुरुषों और महिलाओं के दिमागों का आधारभूत ढांचा बायोकेमिकली अलग अलग होता है। पुरुषों का भावनाओं को प्रभावित करने वाला हिस्सा एमिग्डाला महिलाओं से बड़ा होता है, इसलिए वे जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं। महिलाएं किसी तनाव के लिए अपने दिमाग के बाएं हिस्से के एमिग्डाला को इस्तेमाल करती हैं और इसलिए भावनात्मक यादों को ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाती हैं। पुरुष अपने दिमाग के दाएं यानी राइट एमिग्डाला को इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ सारांश याद रखते हैं। रूल नंबर 12, एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण। हम सभी प्राकृतिक तौर पर अन्वेषण या और जानकारी हासिल करने की इच्छा रखते हैं। छोटे बच्चों से बेहतर सीखने वाला कोई नहीं होता। वयस्क सिर्फ अवलोकन से सीखना चाहते हैं, जबकि बच्चे देखकर, छूकर, खेलकर, एक्सपेरिमेंट करके, चोट खा के सीखते हैं। इस तरह की वैज्ञानिक तैयारी हमारे दिमाग के कुछ जरूरी हिस्सों से आती है। कुछ हिस्से विचारों को समझकर हमें सही सलाह देते हैं और कुछ पौराणिक हिस्से तनाव देखते ही कहते हैं भाग लो। हम कई तरीकों के व्यवहारों को पहचान लेते हैं और उन्हें अपने फायदे के लिए दोहराते हैं। कुछ हिस्से हमेशा बच्चों के दिमाग की तरह विकास की स्थिति में ही रहते हैं, इसलिए हम पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखने की क्षमता रखते हैं।